पद्मश्री अवार्ड की घोषणा से एक्ट्रेस कंगना रनौत के पैतृक गांव में खुशी की लहर। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 16 को पद्म भूषण सहित 118 को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हो गई है। इसी कड़ी में मंडी के सरकाघाट की रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत को भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है। अपने अभिनय के दम पर 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने वाली कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड मिलने की घोषणा से परिवार में खुशी का माहौल है। देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री की घोषणा से कंगना के पैतृक गांव भामला में खुशी की लहर है। एक दिन एक साथ 2 खुशखबरी मिलने से कंगना के माता पिता बेहद खुश हैं। एक साथ 2 खुशखबरी मिलने से कंगना के माता पिता में खुशी की लहर है, साथ ही पूरे गांव में खुशी की लहर है। कंगना के पंगा मूवी को भी बड़े पर्दे पर खूब सराहा जा रहा है। 2006 में गैंगस्टर मूवी से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाली कंगना ने अपने करियर में काफी उतार चढ़ाव देखे और आज अभिनय के दम पर कंगना बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेत्रियों में से एक हैं। मॉडलिंग में हाथ आजमाने के लिए हिमाचल के छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली पहुंचते हुए मायानगरी पहुंची कंगना ने बड़े पर्दे पर पहुंचने में कड़ा संघर्ष किया।